हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था कि गेम ऑब्जेक्ट्स और लाइट्स क्या होते हैं। अलग अलग टाइप के लाइट्स के बारे में हमने देखा था। ये वीडियो थोड़ा सा लाइट वेट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारा सेटअप किया है आपने, इसको सेव कैसे करेंगे और हम कैसे, मतलब यूनिटी अगर हमने बंद कर दिया तो ये सारा का सारा एग्जैक्ट सेटअप हमें कैसे दिखेगा। सो इस मोमेंट पर अगर आपने आपका यूनिटी इंजन बंद किया तो आपको एक प्रॉम्प्ट पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हो क्या। तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे यूनिटी के ऊपर क्विट करने का ट्राई करता हूँ तो मेरे को बोलेगा कि सीन्स हैव बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू हैव मेड इन द सीन्स। और यहाँ पे ये कुछ पाथ बता रहा है, एसेट स्लैश सीन स्लैश सैम्पल सीन डॉट यूनिटी। तो बेसिकली ये चीज़ ये बोलती है कि अगर आपने ये चीज़ को सेव नहीं किया तो आपने जितना भी काम किया है वो सारा गायब हो जाएगा। यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है, एक डोंट सेव का ऑप्शन है, और ये वाला जो पाथ है एसेट स्लैश सीन्स स्लैश सैम्पल सीन डॉट यूनिटी, आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पे सेव होने वाला है। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ पहले। तो एसेट्स स्लैश सीन्स स्लैश सैम्पल सीन डॉट यूनिटी ये पाथ था। तो अगर आप नीचे देखोगे तो आपका एक प्रोजेक्ट फोल्डर है ये। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इसको प्रोजेक्ट फोल्डर बोलते हैं। अभी प्रोजेक्ट फोल्डर पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक असेट्स लिखा हुआ है, जिसका मतलब हम ऑलरेडी असेट्स के फोल्डर के अंदर है। इसके अंदर पूरा ब्लैंक है, बस हमें एक और फोल्डर दिख रहा है जिसका नाम है सीन्स। इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सीन्स का फोल्डर ओपन हो गया और यहाँ पे एक यूनिटी का आइकन दिख रहा है और नीचे लिखा है सैम्पल सीन। तो हमारा जो भी सीन है वो जब हम सेव करेंगे तो सारा डेटा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो एक बार हम लोग सीन को सेव कर देते हैं, इसको सेव सीन्स फाइल के अंदर सेव सीन्स का ऑप्शन है। और अभी मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मैक में कमांड और एस है। विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ के अंदर कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो। एक आदत लगा लो हर 10-10 मिनट में एक सेव करने की, मतलब हैंडी रखो, आप कंट्रोल एस दबाते रहो ताकि आपके जो भी नए चेंजेस है वो सेव हो जाए। अभी तो ये बात तो रही डिफ़ॉल्ट सैम्पल सीन की, बट अगर सपोज आपने इसमें कुछ और चेंजेस किए, आपको ये वाला सीन को बैकअप रखना है, सैम्पल सीन को बैकअप रखना है, बट मैं बोलता हूँ कि मेरे को, मैंने इसके अंदर और थोड़ी चीज़ें ऐड की, लेट्स से मैंने ये वाला क्यूब ऐड किया, इसका मैंने स्केल रख दिया, एकदम कुछ बड़ा सा स्केल रख दिया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने अब तक देखा था पोजिशन रोटेशन, हमने अब तक स्केल नहीं देखा था क्योंकि कैमरा के अंदर स्केल नहीं होता, लाइट के अंदर कुछ स्केल नहीं होता। बट जो अपने 3D ऑब्जेक्ट्स है, 3D गेम ऑब्जेक्ट्स है, जैसे क्यूब हुआ, स्फीयर हुआ, एक हम लोग ने मिस आउट कर दिया था 3D ऑब्जेक्ट में, सिलेंडर हुआ, तो ये सारों के जो प्रॉपर्टीज़ है सारे के सारे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्स मॉडिफाई कर सकते हैं, वाई मॉडिफाई कर सकते हैं, जेड मॉडिफाई कर सकते हैं और स्केल भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको कैसे भी स्केल बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। एनीवे, अभी हम लोग का ये सीन थोड़ा अलग हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो डेटा है ये किसी अलग सीन में क्रिएट हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाता हूँ फाइल के अंदर सेव सीन एज, और यहाँ पे मेरे को अभी ऑप्शन दिखाएगा सेव सीन एज। तो विंडोज़ में थोड़ा सा अलग दिखेगा, बट बेसिक फंडा यही है कि हमें इसको अपने सीन्स फोल्डर के अंदर सेव करना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एसेट्स है, सीन्स है, सीन्स के अंदर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा मेरे सीन का नाम सैम्पल टू। अभी सैम्पल टू को जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पे हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर दोनों चीज़ें दिखेगी हमें, एक है हमारा सैम्पल सीन, एक है हमारा सैम्पल टू। अभी अगर मैं सैम्पल सीन के ऊपर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो मेरा वो जो डिफ़ॉल्ट वाला सीन है वो लोड हो जाएगा, जहाँ पे मेरा वो जो स्ट्रेच वाला क्यूब है और जो सिलेंडर है वो नहीं है। और सैम्पल टू के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो जो क्यूब और सिलेंडर, नया वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों आ गए यहाँ पे। ये हुई बात अभी सीन्स की, मतलब आपने जो भी डेटा सेव किया वो सारे के सारे सीन्स के अंदर सेव हो जाते हैं। आपके गेम के अंदर बहुत सारे सीन्स हो सकते हैं या फिर एक ही सीन हो सकता है,
डिपेंड करता है आप कैसे गेम बना रहे हो। इसके बाद आती है एक और चीज़, ये सारे जो सीन्स है, सपोज मैं चाहता हूँ कि एक सीन से दूसरे सीन में मुझे जाना है, तो वो अभी कैसे जाएंगे। उसके पहले अभी हम ये एक चीज़ पे नज़र डालते हैं कि ये सारी तो चीज़ें ठीक है, बट अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे गेम कैसे बनेगा। सिंपल सी चीज़ है, अभी ये सब जो आप देख रहे हो तो सीन मोड, आपका गेम तो ऐसे दिखने वाला है नहीं। जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी इसमें होगा क्या एग्जैक्टली। तो सिंपल सा आंसर है इसका, यहाँ पे देख सकते हो सीन्स का टैब है और बाजू में गेम का टैब है। मैं गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमें अभी कुछ ऐसे दिख रहा है। तो अगर मैं गेम स्टार्ट करूँगा मेरा अभी इस स्टेज पे, तो मेरा गेम कुछ ऐसे दिखेगा। अभी आप बोलोगे कि ठीक है ये सब तो ठीक है, बट गेम स्टार्ट होगा उसके बाद मेरे को खेल के वगैरह देखना है, तो वो मैं कैसे देखूंगा। सिंपल बात है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन है, प्ले का आइकन दिख रहा है, पॉज का आइकन दिख रहा है और एक फॉरवर्ड का आइकन दिख रहा है। अगर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये प्ले पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा ग्रे हो जाएगा और उसके बाद ये ब्लू दिखेगा। ब्लू दिखा मतलब आपका गेम मोड स्टार्ट हो चुका है। अभी फिलहाल तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमने कोई भी बटन दबाया, AW एरो की वगैरह कुछ भी दबाया तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है। हमेशा एक प्रैक्टिस रखो कि आपका टेस्टिंग हो जाने के बाद ये प्ले मोड को वापस एक बार दबा दो ताकि आप प्ले मोड से बाहर आ पाओ। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमाइज ऑन प्ले हमने ऑन रखा था, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो क्या होगा कि मैं जब प्ले दबाऊंगा तो मेरा सीन ऐसे के ऐसे ही दिखेगा। अभी एक टेक्निकलिटी इसमें ऐसी है, सपोज करते हैं कि चलो हमने प्ले मोड चालू रख दिया, प्ले मोड चालू रख दिया और हम आ गए सीन के अंदर, और मैंने क्या किया ये सीन के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। मैंने सोचा कि यार ये जो सिलेंडर है या फिर ये जो क्यूब है उसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ये स्फीयर को यहाँ पे मूव कर देता हूँ और मैं वापस गेम मोड में आ जाता हूँ। और अभी आपका गेम मोड चालू था, देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ब्लू वाला आइकन ये दबा हुआ है और हल्का सा इसमें ग्लो है, तो ये मेरा प्ले मोड चालू था। बट अब अभी अगर मुझे ये प्ले मोड से बाहर निकलना है, तो देखो जैसे ही मैं ये प्ले मोड से बाहर निकलता हूँ मतलब इस प्ले बटन को वापस दबाता हूँ, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स रीसेट हो गए। इसका मतलब ये है कि आपका प्ले मोड जैसे भी हो, गेम अगर चालू है, अगर आप गेम से बाहर आते हो तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो उनके ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगी। हमने ये वीडियो में सीखा कि अलग अलग टाइप के सीन्स हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, सेव एज का ऑप्शन देखा यहाँ पे फाइल के अंदर, सेव सीन्स और सेव सीन एज देखा, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, और हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को एक्सप्लोर किया जो है अपना गेम मोड। और एक और चीज़ देखी हम लोग ने कि गेम मोड अगर आप एंटर्ड हो, गेम मोड आपका चालू है और उसके बीच में आपने कुछ चेंजेस किए सीन के अंदर, तो वो सारे के सारे रीसेट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वन लास्ट टाइम मैं प्ले मोड में हूँ और मैंने प्ले मोड में रहते हुए सीन को चेंज किया, प्ले मोड से मैं बाहर आता हूँ, ये वापस रीसेट हो गया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दानो।